हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तन्वी की रसोई में। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कम खर्च में, कम समय में और कम सामान के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट सी पेड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। और ये पेड़ा खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक बार मेरे तरीके से इस पेड़े को आप ज़रूर बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ना ही आपको इसमें मावा डालने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा तामझाम है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए 200 ग्राम बेसन और 100 ग्राम देसी घी लिया है मैंने। गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में हम सारा घी डाल देंगे। लगभग 2 चम्मच के करीब घी मैंने बचा लिया है, और अब हम घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद सारे ही बेसन को हमें इस तरीके से डाल देना है। ध्यान रखिए, बेसन को पहले ही चाल लीजिएगा। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है। अभी हमें घी इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो घी हम इसमें अभी 1/2 चम्मच घी और डाल देंगे। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। तो धीरे धीरे करके जो हमने 2 चम्मच घी बचाया है उसको भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने अभी डाला और 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे। तो बस कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए बेसन को अच्छे से भून लीजिएगा। बेसन को तब तक भूनना है जब तक कि बेसन में से अच्छी सी सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे, और इसकी स्पीड मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन भूनना आपको कंटिन्यू इसी तरीके से है। तो अभी हम इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच के करीब घी। बस इससे ज़्यादा हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब जैसे जैसे देखेंगे आप बेसन भूनता जाएगा, वैसे वैसे ये घी छोड़ता जाएगा। तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम बेसन को भून लेंगे, और जैसे जैसे बेसन भुनेगा वैसे वैसे बेसन का कलर भी चेंज होगा। तो अभी आप देख सकते हो बेसन हमारा बहुत ही अच्छे से भुन रहा है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए बिल्कुल डार्क हो गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है बेसन की भुनने की। तो बस अभी आप देख सकते हो बेसन हमारा बिल्कुल गीला हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच गेहूँ का आटा। 2 चम्मच मैंने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है। आटा आप लास्ट में डालें, क्योंकि गेहूं का आटा जो होता है जल्दी भुन जाता है, इसीलिए मैंने इसमें लास्ट में डाला है। और बस आटा डालने के बाद हम इसको लगभग 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से भुन जाए। लगातार चलाते हुए आटे को भी भून लेंगे हम। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेसन और गेहूं का आटा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद भी 1-2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, और इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हल्का सा ठंडा हो गया है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो इस समय हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। मेरे पास था तो मैं डाल देती हूँ। 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, इससे जो हमारे पेड़े हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जब ठंडा होने के बाद इसको मिक्स करेंगे तो इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं बनेगा। तो अभी आप देख सकते हो मिल्क पाउडर को भी मैंने बहुत ही अच्छे से बेसन के साथ भून लिया है। हल्का हल्का सा गर्म है तो ये भी हल्का हल्का सा भुन जाएगा, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पर 4-5 इलायची को अच्छे से कूट लिया है, इसके बाद मैंने इसको डाल दिया है। इससे जो हमारे पेड़े हैं वो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इलायची का फ्लेवर पेड़े में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये हल्का हल्का सा गुनगुना है, यानी कि हल्का गर्म है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने बेसन को भून के रखा है वो हल्का सा ठंडा हो गया है, यानी कि अच्छे से ठंडा हो गया है। और ठंडा होने के बाद ही इसमें चीनी मिक्स करना है। तो यहाँ पर चीनी को मैंने पीस लिया था, पीसने के बाद मैंने डाल दिया है। 1 कटोरी चीनी डाल दिया है, अभी 1 कटोरी हम चीनी और डालेंगे। तो मीठा आपको जिस हिसाब से पसंद हो उस हिसाब से आप मीठा इसमें डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो चीनी मिक्स हो गई है, तो अभी हम थोड़ा सा और डालेंगे, यानी कि हमें इसमें डालना है 2 कटोरी। 1 कटोरी मैंने डाला और 1 कटोरी अभी हम इसमें डालेंगे। तो अब यहाँ पर हम चीनी डाल देते हैं और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हाथों की हेल्प से हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके इस तरह से। और एक बार मेरे तरीके से इस पेड़े को आप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा।
क्योंकि ये पेड़ा वास्तव में खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चीनी मिक्स कर लिया है मैंने, और चीनी मिक्स करने के बाद अपने मनचाहा शेप में आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर छोटे से नींबू को जितना मैंने पोर्शन ले लिया है, और बस गोल गोल करके इसको हल्का सा उंगली से चपटा किया है, और इसके बाद मैंने इस पर पिस्ते की कतरन लगा दिया है। और इसी तरीके से आपको भी बनाना है, इस तरह से गोला गोला करेंगे, चिकना कर लेंगे, और चिकना करने के बाद हम उंगली से इस तरीके से प्रेस करेंगे और बस पिस्ता की कतरन को हम लगा देंगे। इससे जो हमारे पेड़े हैं वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसी तरह से सारे ही पेड़े को हम बना करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आप इसमें डिज़ाइन देना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही हाथों से बना सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरीके से सारे ही पेड़े मैंने बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल मावे के फ्लेवर वाला ये पेड़ा बन करके तैयार हुआ है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ही पेड़े बन गए हैं, और ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दो पेड़े को मैंने ऐसे ही रखा है, इस पर पिस्ते की कतरन को नहीं लगाया है। आप देख सकते हो ये कितने सॉफ्ट और कितने टेस्टी बने हैं, ये देखिए। तो उम्मीद है कि आज की ये पेड़े की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही नई नई और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।